नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुकृति आपका कुकिंग को इनकरेज करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 टेबलस्पून सौंफ, 4 सूखा लाल मिर्च, 1 पिंच जायफल पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून काला मिर्च साबुत, 2 छोटे ग्रीन इलायची, 4 लौंग, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी सॉल्ट, 4 एनिसीड, इसको हिंदी में बादाम फूल भी बोलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन को गरम किया है। अब मैंने गरम पैन में ये 4 सूखा लाल मिर्च दूंगी, साबुत धनिया, साबुत जीरा, साबुत शाहजीरा, साबुत सौंफ, अजवाइन, साबुत काला मिर्च, इलायची दाना, हरी इलायची दाना, लौंग, बादाम फूल, और दालचीनी को डालूंगी। अब मैंने इसको रोस्ट करूंगी। जब सारे मसाला लाइट पिंक हो जाएंगे और अच्छा सा खुशबू आएंगे, तब मैंने गैस को ऑफ करूंगी। मैंने गैस को ऑफ कर दिया और मसाला को 3-4 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। मसाला ठंडा हो गया है। अब मैंने एक मिक्सी जार लूंगी और इसको मिक्सी में डालूंगी। इसको कवर लगा के मैं पीस लूंगी। मैंने मिक्सी में मसाला को पीस लिया है। अब मैंने जो पाउडर मसाला था वो इसके साथ मिक्स करूंगी। सॉल्ट पाउडर, हींग, आमचूर पाउडर, जायफल पाउडर और नमक, सबको डालने के बाद एक बार मिक्स करूंगी। सारे मसालों को मैंने एक बार हाथ से मिक्स कर दिया और इसको और एक बार मैंने मिक्सी में पीस लूंगी। मैंने मिक्सी में सारे मसाला पीस लिया है। अब मैंने एक सूखा कंटेनर में इसी मसाला को रखूंगी और मेरे हिसाब से मैं कभी भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। पाव भाजी मसाला रेडी है। पाव भाजी बनाने के लिए आप जब घर पे पाव भाजी बनाएंगे, पाव भाजी मसाला आप घर पे बना लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।